दिक्कत होती है। मेरे साथ भी यही हुआ कि हम जानती हुई चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसमें भी देखा कि बेतरतीब ढंग से जो चीजें पहले लिखना चाहिए उसको बाद में लिख रहे हो, जो बाद में लिखना चाहिए वो पहले लिख रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन देखे नहीं लिख दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसके बारे में दो मिनट या 2 सेकंड 5 सेकंड जितना जल्दी हो सके आप लोग उसके बारे में सोचो कि पूछ क्या रहा है। फिर आप क्वेश्चन के कीवर्ड में जाओ, कीवर्ड अगर आप नहीं पकड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर यही कहोगे कॉपी लिख के आया था नंबर नहीं मिल रहा। तो आपको कीवर्ड में ध्यान देना होगा। यूपीपीसीएस के क्वेश्चनों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तो 18 से लगातार दिया हूँ तो मुझे पता है कि कितना स्तर उसका लगातार बढ़ रहा है। जी, तो ये दो तीन चीजें हैं। जैसे अक्सर कीवर्ड के रूप में हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस यूज करता है कि भूमिका का मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, विश्लेषण करें, व्याख्या करें, क्रिटिकली एग्जामिनिंग, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इस पे आपको ध्यान देना, इस पे पकड़ बनाना है। जैसे आप आपसे पूछा जाए कि आप विश्लेषण करें, तो विश्लेषण में बहुत सारे बच्चे विश्लेषण नहीं कर पाते, एक ही आयाम, इसमें हर तरह का आयाम आपको खोलना है, साथ में उसके पॉजिटिव निगेटिव भी दिखाना है, अच्छा अच्छा पॉजिटिव निष्कर्ष देना है। और एकाध लाइन का अगर वे फॉरवर्ड बने तो वे फॉरवर्ड यूज करिए, स्पेशली सेकंड और थर्ड पेपर में। इसमें सुझाव तो आपको देना है, पूछा है नहीं पूछा है फिर भी आपको सुझाव देना है, खासकर सेकंड एआरसी है, गवर्नेंस के क्वेश्चन में सेकंड एआरसी दे सकते हैं आप। सरकार की कोई योजना है उससे संबंधित गवर्नेंस है वो आप यूज कर सकते हो, टैग लाइन आप यूज करिए अपने निष्कर्ष में। फोर्थ पेपर में आप लोग उक्ति जो चलती है किसी विद्वान की कथन का यूज करके शुरुआत कर सकते हैं, अंत भी यूज कर सकते हैं बेहतर टर्मिनोलॉजी, तो वहां से आपका नंबर इनहेंस होगा बहुत ज्यादा। जैसे आजकल एक मार्केट में बहुत ज्यादा ये चलता है मिथ कि हमें वो बनाना चाहिए डायग्राम फ्लो चार्ट, उसका अपना महत्व है सबसे, जिससे नहीं बन रहा तो ना बनाए, वो हेडिंग सब हेडिंग में लिखे, मुझसे नहीं बनता फ्लो चार्ट, मैं भी बनाता हूँ, मेरे भी 100 पार नंबर आते हैं, मैं हेडिंग सब हेडिंग में लिखता हूँ। तो ये चीजें भी आपको करना है। डाटा का भी अपना रोल है, डाटा का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा के पीछे नहीं घूमना है, जो क्वेश्चन पूछे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपको लिखना है। जैसे सपोज दैट टिप्पणी भी वही होती है लेकिन टिप्पणी अलग यहाँ हो जाती है, टिप्पणी में आपको अपना ओपिनियन लास्ट में देना होता है कि आप उस पर्टिकुलर जो घटना है या कोई व्यक्ति है जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप इवेंट के बारे में क्या सोचते हो, तो ये आपका सोच होना चाहिए। और बहुत ही क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर में ज्यादातर टिप्पणी ही पूछता है। तो ये चीजें आपको मेंस में करना है, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, टैग लाइन अच्छी यूज करना है। जैसे कि कई बार होता है कि हम लिखते हैं लिखते लिखते टैग लाइन भूल जाते हैं, आपके जो हो गए सतत विकास लक्ष्य है SDG गोल से, इनको आप यूज कर सकते हो, सरकार की गाइड सरकार की टैग लाइन जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इकोनॉमी में आप लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूपी के संदर्भ में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इतने दिनों तक हम बन सकते हैं, समावेशी विकास हो सकता है, तो ये सब टैग लाइन जो आपके उत्तर को आकर्षक बनाएंगे और आप लोगों को नंबर भी अच्छा दिलवाएंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ पुष्पेंद्र जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने को अनम्यूट करें। पुष्पेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेस किया हुआ, आपने हैंड रेस किया है, अंकिता स्वाति नेहा इन सभी ने हैंड रेस किया हुआ है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बीच में पूछ सकता है। जी श्याम जी, हेलो, हाँ बताइए जी श्याम जी, बताइए। हाँ जी बताइए, मेरा कहना ये था कि जैसे कि 125 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, 200 वर्ड्स में आता है, जी, तो मुझे किसी जानने वाले ने सलाह दी थी जो यूपीएससी के इंटरव्यूज दे चुके हैं 2 बार, जी, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जब 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो हाँ ये फाउंडेशंस नहीं होती है, आप 200 वर्ड्स में ही लिखे, 125 वर्ड्स में ही लिखे, अगर 200 वर्ड्स का है तो 180 हो जाते हैं, 170 हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखते जरूर हैं। हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप वही लिखो जो आप कम लिखो लेकिन जो पूछा वो लिखोगे तो नंबर आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा लिख के आ रहे हो और सोच रहे हो कि जो पूछा वो नहीं लिख रहे हो, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपको डरना नहीं, अगर आपको भूमिका ही बारी होता है यार इसका क्या शुरुआत करूं, जैसे मैं आपको इस बार का एक क्वेश्चन बताता हूं, 9 डैश लाइन 9 डिग्री चैनल का पूछा था और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं लास्ट क्वेश्चन वो लिख रहा था तो मैं कंफ्यूज होगा कि ये अंडमान में है कि लक्षद्वीप में है, अक्सर ये हो जाता है,
तो फिर मैं देखा कि जी इसमें तो अंडमान और मुझे बताने जरूरत नहीं, इसमें तो ये बताना इसका रणनीतिक महत्व, तो मैं डायरेक्ट हेडिंग बना के लिख दिया कि इसका निम्नलिखित रणनीतिक महत्व है। जी तो अच्छा हमें इस बार भी 100 पार नंबर मिला, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8 नंबर वाले में आप बहुत ज्यादा भूमिका पीछे मत हुआ, भूमिका आपके 12 नंबर के क्वेश्चन में जरूर अच्छी होनी चाहिए, खासकर जैसे आप डेफिनेशन अगर किसी को अच्छी आ रही तो डेफिनेशन डेफिनेशन अच्छा दो, रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, आंकड़े हैं आपके पास अच्छे तो उससे आप शुरुआत कर सकते हो, रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज पूछा है तो आपको परिभाषा अच्छी आनी चाहिए, मतलब सटीक परिभाषा होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स का यूज करिए इथिक्स के पेपर में खासकर। सर एक प्रश्न और था जी कि जैसे 20 क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा अमूमन ऐसा होता है कि हर एक एस्पिरेंट्स को वो 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती उसके बारे में, जी जी तो एक दो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 18 या 19 में आया था गिद्ध परियोजना के बारे में, जी तो यार ऐसे क्वेश्चंस फेस करने हो जिसके बारे में कोई फैक्चुअल नॉलेज ना हो और कोई कॉन्सेप्चुअल भी ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें गलत लिखें या छोड़ दें? गलत तो बिल्कुल नहीं लिखना है, गलत लिखने से ये जाएगा कि ये हम ब्लफ कर रहे हैं और तो इससे बहुत गंदा मैसेज जाता है, गलत लिखने से बचे। हाँ अगर आप उससे संबंधित ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ो जो ओपन एंडेड रहता है उसमें आप लिख सकते हो कि चलो कुछ गलत नहीं होगा, जैसे मैं मुझे नहीं मालूम था कि ये 9 डैश लाइन एग्जैक्ट था, लेकिन ये मुझे पता था किसी भी चोक पॉइंट होता है उसका क्या रणनीतिक महत्व, उससे संबंधित हमने सारी चीजें लिख दिया, नंबर भी हमारे अच्छे आए हैं। जी जी तो उसमें आपको था, और 8 नंबर में तो बहुत ज्यादा भूमिका नहीं, सीधे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाओ, डायरेक्ट जो पूछा उसको हिट करो, होता क्वेश्चन के 3-4 भाग ही हैं, जैसे पहला होता है भूमिका, दूसरा उसका मेन बॉडी यानी मेन पार्ट जो पूछा है, और तीसरा होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष का कोई नंबर नहीं होता, लेकिन अगर निष्कर्ष आप नहीं लिखोगे तो आपका एक आध नंबर बढ़ लिखोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, निष्कर्ष नहीं लिखोगे तो टीचर काट भी सकता है आपका नंबर। तो सर क्वेश्चंस को सीरियल वाइज करना होता है, अल्टरनेटिव कर सकते हैं ये आपके ऊपर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एक क्रम से करते चले जाओ। मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले शुरू में 5 क्वेश्चन, ये UPPCS है, यहाँ पे बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे आपको मिसकंसेप्शन, बहुत बच्चे में बहुत तरह की बातें करेंगे, इनमें मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी से। सब मैं तो पहले करता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन, 1 घंटे के लगभग मैं पहला पूरा क्वेश्चन 8 नंबर वाला देखता हूँ, जितने क्वेश्चन हो गए तो हो गए, बाद में मैं 12 नंबर के क्वेश्चन पकड़ता हूँ, और उसके बाद मैं 12 नंबर लिखने के बाद जितने बचे होते हैं इनको लास्ट में टैकल करता हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में बहुत सारे एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन रहते हैं, सब में मूल्यांकन किया लिखा रहता है, अमूमन UPPCS मूल्यांकन करें भूमिका का, इसका विश्लेषण करें, तो उन क्वेश्चनों में अगर आयाम छूटा तो नंबर घट जाता है, और सारे डायमेंशन कवर करना है तो आपको उसको अच्छे से लिखना होगा। धन्यवाद सर। किसी और का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। उत्तर लेखन से संबंधित, प्रीलिम से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं सर से। हेलो आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बोलिए। हाँ ये पूछना है सर कि चूंकि पेपर सारे GS के लगातार होते हैं जी? और बीच में रिवीजन करने का जरा भी समय नहीं मिल पाता और शरीर और दिमाग भी थका रहता है, तो सर लास्ट मोमेंट में बढ़िया से कहीं एक अपना नोट्स तैयार करना, लोग बता रहे हैं कि बड़ा जरूरी है कि कुछ पॉइंट्स अपने छाट छाट के हर टॉपिक के लिखे हों, कंक्लूजन हो कहीं आपके पास जो आप 40-50 पेज में दोहरा सकें, तो सर मेरा सवाल यही है कि मार्केट में इतने सोर्स हैं और इतने मटेरियल हैं और इतने PDF हैं कि एकदम समझिए एक सागर है उनका, तो अगर जो कुछ ऐसा बनाना हो अपना तो कहाँ से सर उसको सोर्स, मतलब ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से उठाया जाए? अथेंटिक सोर्स देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने कहा, पहले बात तो आप जान लो कि पेपर के समय में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, अगर आपने मेंस के पहले यकीन मानिए मेंस से पहले अगर आपने ईमानदारी से तैयारी किया है 3 से 4 बार भी अगर आपने सिलेबस को कवर किया प्रॉपर वे में, यकीन मानो अपने आप को बस आप पेपर के बीच में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को खुश रखो, आपको खुद नहीं मालूम कि आपका ब्रेन क्या क्या चीज जानता है, आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीजें याद आती रहेंगी, लेकिन अगर आप यार पेपर 3 घंटे लिखे हो टायर्ड हो फिर आप वही पढ़ने लगे तो क्या फिर आप वो चीजें सोच नहीं पाओगे और लिख नहीं पाओगे, और अगर आप
बीच पेपर में पढ़ने 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 का होता क्या कि ह्यूमन का साइकोलॉजी होता है, वो जो तुरंत पढ़ा रहता है उसी की ओर उसका दिमाग जाता है, और जो आप पूर्व में पढ़े रहते हैं वो भूल जाता है आपको। तो अगर आप टायर्ड नहीं रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ रही है, आपको खुद नहीं पता आप क्या चीज क्या क्या चीज जानते हो, आप क्या क्या लिख सकते हो, बशर्ते आप पहले अच्छे से कवर करके रखो। और रही बात नोट्स की, आपने जो कहा तो आप नोट्स डाट जैसे सेकंड और थर्ड पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर में आप कुछ आंकड़े रख लो जो आपको भूलता है, तो एक 25-30 पेज का आंकड़ा बना लो, आप आंकड़े बना लो, कोई रिपोर्ट है बना लो, कोई करंट वरेंट की योजनाएं हैं, जैसे जिस बहुत सारी योजनाओं को भी लोग निष्कर्ष डिपार्टमेंट किस योजना, जैसे वर्तमान सरकार यो प्रयास कर रही है, तो ये आप कर सकते हो, रिपोर्ट लिख सकते हो। बहुत ज्यादा पेपर के बीच में पढ़ने में जोर नहीं देना चाहिए, हम लोग करते क्या है कि मैं भी उसी में शामिल था, ऐसा नहीं है, तो हम लोग करते क्या है पूरा एकदम 2-3 बैग साजते हैं मैं उसके पहले, फिर जाते हैं परीक्षा देने और उसी में खोए रहते हैं, तो ऐसा मजा नहीं आता। और आप फिर वो मोनोटोनस उत्तर लिखते हो और टीचर भी समझ जाता है कि यार ये सही नहीं है, नंबर आपके घट के ही आते हैं, इसलिए सबसे पहले अगर 30-40 पेज का नोट्स बना सकते हो तो बना लो। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा मैटर आ रहा है, जैसे डाटा के लिए आप प्रहार प्रहार है और आपका विजन मेंस 365 मेंस के पहले आ जाता है, उसका आप भरपूर यूज कर सकते हो। जी जी, तो ये हाँ यहाँ से आप और कुछ कीवर्ड लिख लो, अगर आपको भूल रहा है तो आप कीवर्ड लिख लो, पर मेरा मानना है कि आप पेपर के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। जी जी, पहले आप 4-5-6 बार जितने बार कर सकते हो आप कम सोर्स रखो, लेकिन लिमिटेड सोर्स रखो। ये पता चला कि विश्व इतिहास के आना 3-4 क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी के पता चला सिलेबस जितना है उतना आप 50 जगह से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और सबसे बड़ी बात मेंस की तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर पेपर देखना होगा, उनको आप कोशिश करो लिखो। वैसे जो सर टेस्ट आज जो लिख रहे हैं बच्चे, उसमें मैं देखता हूँ कि सर लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देते रहते हैं, अच्छा रहता है, इससे प्रैक्टिस होती जाती है और आपको परीक्षा का नेचर पता चलता है, तो वो आप करो एटलीस्ट कम से कम। अच्छा सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा ट्रेंड उस ट्रेंड को पकड़ो, जो नहीं पूछ रहा उधर मत जाओ। जैसे यूपीपीसीएस एक ये इकोनॉमी में बता रहा हूँ, इकोनॉमी का मेरा अच्छा खासा अनुभव, इकोनॉमी थर्ड पेपर मुझे नंबर भी अच्छे मिलते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि उसमें 4-5 चीजों में फोकस करता है। आप देखोगे लगातार गरीबी बेरोजगारी समावेशी विकास उसके कुछ पेटेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन उसके रहते हैं, खाद्य सुरक्षा PDS, अब पता चला यार बैंकिंग तैयार कर रहे हो और दुनिया भर की चीजें, तो उससे कोई मतलब नहीं ना, आप बैंकिंग पढ़ भी लोगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन परीक्षा में आपको किसी काम का नहीं आना है नहीं। फूड सिक्योरिटी वगैरह तैयार कर लो, कृषि विपणन वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो उस चीज को पकड़ के आप उस चीज को पकड़ो और वहीं जो अच्छे तैयारी है उसके बारे में क्या, जब कम रहता है तो आदमी बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है सारे आयाम उसके। बहुत जरूरी बात बता रहे हैं सर, आप लोग ध्यान से सुनिए और जो भी क्वेश्चन है क्वेरी अपनी कर लीजिए। ये सारे एक्सपीरियंस जो है ना आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, पूरा निचोड़ है, अगर सर की तैयारी आप देखें तो वो जो भी बात बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम हॉल में आपको कैसे अपीयर होना है, किस तरह से 2-3 दिन पहले तैयारी करनी है, सारी बातें जो सर बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए और कोशिश करिए सर की बातों को। हाँ बोलिए जी, बताइए सर। एक बड़ी दिक्कत होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अच्छा कि हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सर कितना भी कर ले कि, लेकिन ये होता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं इतना डीप आ जाता है कि हाँ, अगर स्ट्रेट से आता है और या फिर रिवर्स से आता है तो ठीक है, कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप ले जाते हैं, तो कैसे टैकल करें, कहाँ से सोर्सेस पढ़े उसको? प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं आप, मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए देखिए, अगर मैं आपको ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, तो आपके पास घटना चक्र दृष्टि होना चाहिए, दूसरा आपके पास अगर वाणी कर सकते हैं भारत और विश्व की, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। मैं नहीं पढ़ाता वाणी, क्योंकि मैं UPSC देता था, तो मैं वाणी, और मैं MP का हूँ तो मैं MP भी देता हूँ था, MP भी मुझे देना होता था, तो मैं वाणी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन मैं NCERT एक्सेस किया था और साथ में कुमार गौरव सर के नोट्स मैपिंग के लिए स्पेशली। जी जी, और जब पेपर आता था तो उसमें और NCERT में रख देता था कुमार गौरव सर का नोट्स, और घटना चक्र बहुत अच्छे से करता था। कोई जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, कठिन आ गया, तो किसी को नहीं आ रहा यार, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते। एक बारी का मैं बता रहा हूँ आपको, 2021 वाले पेपर का,
पहला पेज मैंने खोला, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं नहीं घबराया यार, कोई बात नहीं, अगला पेज हमारा हो, अगला हमारा पेज होगा, अगले पेज में हमसे तीन चार क्वेश्चन बने, तो ऐसा घबराना नहीं होता क्या कि जैसे शुरुआत में आप करता क्या यूपी पिक्चर, शुरुआत में हर सेट में इतने कठिन क्वेश्चन दे देता है कि बच्चे उसके ट्रैप में आ जाते हैं और जो बनते हुए क्वेश्चन है वो भी गलत कर देते हैं। तो ट्रैप में अपने को नहीं आना है, बस अपने को ये करना है कि जो चीज आप करो अच्छे से करो। जियोग्राफी के लिए यही है कि आप एक सोर्स बार बार पढ़ो, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो बताना। जी थैंक यू सर। दीपक जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। दीपक जी बोलिए। हेलो सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर मुझे मेंस में दिक्कत है, प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत नहीं होता, मेरे प्रीलिम्स हर बार निकलते हैं। तो क्या आपका नाम नहीं आ पा रहा है, नाम बताएंगे अपना प्लीज। मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य है। हाँ हाँ, आपकी कॉपी में देखा हूँ, आप अच्छा लिखते हो। हाँ पुष्पेंद्र जी तो अच्छा लिखते हैं। बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए। अच्छे नंबर नहीं आए, सिक्स में देख रहा था। सिक्स पेपर में सिक्स बार बहुत कम आ रहा है, तो इसके बारे में कितना आया आपका? जी जी बोलिए कितना आया है? सिक्स पेपर में टोटल 670 नंबर है। अच्छा बढ़ जाएगा यार आप कीवर्ड। अच्छा आप कीवर्ड में ध्यान दिए, सिक्स का पेपर थोड़ा टफ भी था इस बार, आपने कीवर्ड में ध्यान दिया है? ये जो कीवर्ड कई बार देखिए, कीवर्ड में अगर आप पकड़ेंगे शुरुआत शुरुआत में जैसे टिप्पणी पूछता है, नैतिकता जैसे अक्सर पूछता। हेलो हाँ सर। तो आप दो तीन काम करो, एक तो एथिक्स में नंबर उठाने का सबसे बड़ा यार मुझे जो लगता है, मैं एथिक्स में मतलब बहुत हमारा घटा है नंबर, अगर तो 95 आया है, ये मैं कभी 95 से नीचे नहीं। हेलो सुन पा रहे हो आप मुझे? तो सबसे पहली बात तो आप परिभाषा के परिभाषा एक रखो, हर परिभाषा के साथ आप उदाहरण यूज करो, उदाहरण लेटेस्ट यूज करो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप उदाहरण कैसे यूज करोगे, जैसे एआई एआई मान लो है, एआई आप कहाँ पे यूज करोगे एथिक्स में? सर अभी इसमें सर याद नहीं आया है। जैसे मुझे एआई यूज करना हो तो मैं इसको एटीट्यूड में भी यूज कर दूंगा। जैसे विज्ञान और तकनीकी, मैं एआई एआई का विज्ञान और तकनीकी में बहुत बहुत आसानी से यूज करूंगा। तो आप कोशिश करो लेटेस्ट उदाहरण दो, जैसे बहुत सारे आप लोग देखते हो कि जैसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए याद कर लिए, पता चला कि ये लोग पद्मश्री पाए पद्म भूषण पाए, जो लोग आप पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो सोशल सेक्टर से लोग होते हैं, इकोनॉमी सेक्टर से लोग होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी रखो। जैसे कर्नाटक के थे एक, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो राज खुद अनपढ़ थे लेकिन स्कूल के लिए उनने बहुत अच्छा काम किया, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा, उन लोगों को आप यूज करो। अमूमन सिखाया जाता है डीएम पीएम डीएमओएम को यूज करो, डीएमओएम यूज करने से बचना चाहिए, कौन जानता है यार डीएमओएम को, बहुत एक आध दो डीएम होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, फेमस तो वो लोग है ना जो बिना किसी रोल के अपना अच्छा रोल कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो जो लोग पद्मश्री पा रहे हैं या पद्म भूषण पा रहे हैं उनका भी आप यूज करो इसमें। कौन बोल रहा है? मुकुंद जी बंद कर दीजिए। पुष्पेंद्र जी आप सुन पा रहे हमें? पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे आप? आप क्वेश्चन एक बारी पुनः बोलेंगे क्या सर? जैसे हम आईआर के कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए कि वन बेल्ट वन रोड, क्या मैप बना के दर्शाना जरूरी है कि नहीं? बनता है यार तो मत बनाइए, लेकिन ओबीआर के बारे में अगर आपने अच्छे पॉइंट लिखा है, मुझे नहीं आता यार मैप बहुत ज्यादा बनाना, सच बताऊं मुझे नहीं आता, मेरी दिक्कत है वो। अरे कोई बात नहीं, अच्छा कंटेंट लिखो आप, बढ़िया प्रहार और मेंस 365 का यूज करके, और सर जो दे उसका यूज करो, बेहतरीन नंबर पाओगे। जो पूछा नंबर आए हैं जी जीएसटी में सर अच्छे नंबर है, 110 115 नंबर, लेकिन इधर नहीं आए।
तो ठीक है, फिर आईआर में क्यों प्रयोग कर रहे हैं, सही आ रहा है तो ठीक है। मैप अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से बना ले जाते हैं, लेकिन अगर अपन नहीं बना पा रहे तो अपन क्या करें यार, अपनी ऊर्जा कहीं और लगाएंगे यार। नहीं बना, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सिर्फ यार मैप बनाने से मिलता, मैप अब कहने की बातें हैं सब, ठीक है। जो पूछे वो लिखोगे तो 100 पार रहोगे, या हमारा बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात यूपी पीसीएस में 100 पार जाने की कीवर्ड में आप ध्यान रखो यार। जैसे अगर वो मूल्यांकन पूछा भूमिका का, तो आप भूमिका का मूल्यांकन करिए। अगर आपसे पूछा विश्लेषण, तो आप विश्लेषण करके आए। टिप्पणी पूछा तो आप टिप्पणी करके आओ। अगर आपने इधर उधर किया तो नंबर नहीं पाओगे, चाहे कितनी बड़ी बात लिख के आओ, चाहे कितने बड़े मैप बना के आओ, नहीं पाओगे नंबर। मैप बन रहा तो बहुत अच्छा है। जो कल्चर में नागर शैली दरबार शैली में लोग मंदिर बना देते हैं, क्या ऐसा बनाना जरूरी है? लिखा नागर शैली मैं भी नहीं बना था यार, मैं बिल्कुल नहीं बना, मैं आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं बोलूंगा जो मैंने किया। मैं पता चला बोल दूं आपसे, मंदिर हम मैं खुद नहीं बनाया था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से लिखा था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। ये मैं विजय वेद सर का नोट्स पढ़ा था इसके लिए। वो आप लोग यूज कर सकते हो, विजय वेद सर का नोट्स, बहुत अच्छा कल्चर का नोट्स। हाँ मुनीश जी, आप म्यूट करवा रहे थे, आपको कोई प्रश्न पूछना है मुनीश? हेलो, हाँ मुनीश, आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए। नहीं नहीं सर, वो उनका म्यूट नहीं था ना, तो उनको बोल रहा था कि वो म्यूट कर ले, बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी उनकी। अच्छा ठीक है, बाकी आपकी आपको बात सर की सही लग रही है? सर पूछ रहे हैं और कुछ आपको पूछना है जी? सर जी, हाँ मुकुंद जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जी? सर एग्जाम के पहले सर तो सर काफी माइंड मेकअप रहता है कि मेंस में हम अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और बढ़िया से विशेषताएं भी लिखेंगे और योजनाओं की भी लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे, मैप भी बनाएंगे। लेकिन वहां जाकर सर दो चार क्वेश्चन के बाद स्थिति ये होती है कि कहीं पेपर ना छूट जाए और किसी तरह आदमी भगदड़ लिखते चला जाता है। ये सर मैं बड़ा वहाँ प्रेशर में, मेरे साथ ही होता है या और लोगों के साथ, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन वो जनरलाइज आंसर हो जाते हैं सर कुछ आंसर। बोलिए बोलिए। कुछ आंसर तो सर सही रहते हैं लेकिन उसके बाद फिर सर जनरलाइज हो जाता है आंसर। पहली बात तो आप इसका मतलब प्रैक्टिस करके कम जाते हो, दूसरी बात आप परीक्षा का प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा ले लेते हो। परीक्षा वही तो मैं कह रहा हूँ, परीक्षा प्रेशर लेने नहीं यार, परीक्षा पहले आप पढ़ते बहुत हो गए, परीक्षा हाल में जाने से पहले आप पलट रहे होते पन्ने लगातार पट पट, तो डर तो लगता है सर, प्रेशर तो होता ही। डर यार कौन नहीं, भगवान भगवान को भी परीक्षा दिलवाओगे तो वो भी डरेंगे यार, हम लोग तो इंसान है, डरोगे तो पहले डरना, पहले परीक्षा पहले है, बाद में थोड़ी डरना यार कि पेपर से निकल के क्वेश्चन आएगा और आपको आपको कहेगा तुझे ये भी नहीं आता है, पेपर से क्वेश्चन तो निकल के आएगा नहीं, आपके आपको लिखना है, तो आप कम से कम कोशिश करो कि यार पांच, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत में 8 नंबर वाले 5 करो, फिर 12 नंबर वाले पकड़ो अच्छे से, फिर उसके बाद करोगे तो उसके बाद ये होता है कि चलो 5 क्वेश्चन अच्छा लगा तो टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है तो नंबर आपके बढ़ जाते हैं, बाद में वो भी जानता है बच्चे जो सर बोल रहे हैं। पहले पहले कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, सब ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है ये सब, ना मुझे आज तक किसी ने बताया, मैं झेला हूँ 5-6 महीने दे के यूपी का और क्या, इसलिए बता दे रहा हूँ। अभी आपको छोटी बात लग रहा होगा लेकिन बाद में ये आपको बहुत ही मदद करेगा जी सर। तो 2-3 चीजें हैं, आप ये कर लिएगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। जो करना है, जो डरना है, जो डरना है, जो आपको करना है सब परीक्षक पहले करना, और वहां सब आपको याद आएगा यार, आप डरो बस मत। सब राइटिंग का सर क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, बहुत सुंदर राइटिंग हो तो ज्यादा नंबर ऐसे मिलते हैं या ऐसे कुछ बात? आप लोग क्वेश्चन अगर लिखते होंगे तो काफी, मैं चेक किया हूं आपका नाम, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा क्या नाम है, अभी नया जुड़ा हूं अभी कुछ। अच्छा तो कोई बात नहीं, आपको पता ही चल जाएगी मेरी राइटिंग, मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। राइटिंग का फर्क थोड़ा बहुत होता है देखो, नो डाउट, मैं इसमें क्यों बोलूं, लेकिन अगर आपने पढ़ने लायक लिखा है, पढ़ने लायक लिखा है, समझ में आया जो लिखा है आपने, तो उसका नंबर आपको मिलता है, मेरी बहुत अच्छी रहा। अच्छा समझ में यूपीपीसीएस खास कर आपको ध्यान रखता है कि जो मात्रात्मक अशुद्धियां हैं वर्णमाला की, वो नहीं करना है, वो सब चेक करते हैं, वो देखते हैं, शब्द संरचना अच्छी होनी चाहिए, वाक्य विन्यास अच्छे होने चाहिए। पता चला है कई बार हम लोग लिखना शुरू किए और पैरा ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं,
लिखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात लिखे जा रहे हैं, तो इससे यार क्या है कि आप जो बात कहना चाहते हैं समझ में नहीं आती यार, टीचर कहाँ पे क्या समझे आपका, तो ये नहीं करना है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप डेली आंसर राइटिंग, जी सर, ज्यादा कोचिंग में बैठ के 3 घंटा लिखने से आपके क्वेश्चन जो पहले से कर रहे हैं वो तो उनके में तो सुधार हो सकता है, लेकिन जो नए फ्रेशर हैं अगर वो रोज 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखेंगे तब उनमें ज्यादा सुधार होगा, क्योंकि तब वो ध्यान दे पाएंगे भूमिका कैसे हम और अच्छी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन की इसका मैं मेन बॉडी और अच्छे से कैसे टैकल कर सकता हूँ, निष्कर्ष को हम और प्रभावी कैसे बना सकते हैं, कौन सा आंकड़ा हमें कब यूज करना, कौन सा पॉइंट पहले करना है, कौन सा पॉइंट बाद में रखना है, ये सब बेहतर तरीके से कर पाओगे जी, तो ये करना है आपको, खासकर प्रैक्टिस करना है, परीक्षा हाल में नहीं करना है यार, परीक्षा का किस बात का डर जी। हाँ बताइए सर, जो क्वेश्चन के लास्ट टर्म होते हैं जैसे आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसमें सर मुझे बहुत डाउट होते हैं कैसे लिखना है। यही तो मैं अभी तब से कह रहा था, कीवर्ड, इसको कीवर्ड बोलते हैं। अभी इसमें जैसे आलोचना पूछा है आपसे, तो आलोचना अपने आप में, आलोचना कोई बुराई शब्द नहीं है, जनरली होता क्या कि यहाँ हम डे टू डे लाइफ में सुने रहते हैं, तो उसको आलोचना का अपने आप में मतलब है कि आप उसकी सीमाएं विशेषताओं के साथ सीमाएं दिखाएं, ना कि आप सीमाएं ही दिखाओ, उसकी कमियां ही तो विशेषताएं दिखाइए, और साथ में जब आप निष्कर्ष आप उसमें देख उसकी वर्तमान प्रासंगिकता दिखाते हुए निष्कर्ष पॉजिटिव लिखें, तो आपको अच्छा लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं है, शायद क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोगों को मिल भी जाएगा ये। हाँ लेकिन जिसको लिखना हो लिख सकता है, ऐसा कोई? हाँ लिख सकता है, तो जैसे एक ही बार मैं दे दूंगा इनको कल, जैसे टिप्पणी में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है, और ये विश्लेषण में क्या लिखना है, आलोचना समालोचना में क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन में, इलुसिडेट में क्या करना है, प्रकाश दाजी में क्या, ये सब टर्मिनोलॉजी है, मैं दे दूंगा ये आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो कॉपी आप डेली आंसर राइटिंग में अगर आप लिख रही होंगी तो उसमें मैं लिख, ये बात तो मैं बोला करके जरूर लिखता हूँ बच्चों को। प्रियंका जी पूछिए, और कुछ पूछना पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रियंका जी बोलिए। पहली बार मैं सभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पहली बार दे रही हूँ ना, तो लिखती हूँ तो उतना भी समझ नहीं पाती क्वेश्चन का लेवल, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है क्वेश्चन लिखने में। तो अभी तो लगेगा, अभी आप करते रहो आराम से, करते आराम से लिखो, कोई पैनिक नहीं, आप 8 मिनट में लिखो। हाँ बस देख के मत लिखना यार, देख के मत लिखना, पता चला किताब रख के छाप दिए उत्तर, किताब लिख के कुछ लोग को कुछ मेरी शिकायत है, मैं काफी देखा हूँ कुछ लोग पढ़ के लिखते उत्तर किताब से, स्पेशली दृष्टि और प्रहार से मैं देखा हूँ बहुत बहुत सारा छापा गया है। छापिए मत आप लोग भाई, कोशिश करिए खुद से। तो अगर आप देखो लिखोगे ना बिना डरे तो आपके अंदर खुद ब खुद स्किल आती जाएगी, धीरे धीरे आपको खुद उसमें जब अच्छा लगने लगेगा तो और आप अच्छा करोगे, अपने को सीखना है, डरना नहीं है। सर सर वो जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन होते हैं उसको कितने मिनट में लिखना होता है, 7 मिनट में या 8 मिनट में? अभी आप 8 मिनट 6 मिनट 5 मिनट कुछ मत जोड़ो, अभी तो आप लिखो, जैसे बाद में खुद ब खुद हो जाएगा। मिनट क्यों जोड़ते हो आप, मिनट ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं आ रहा तो आप 15 मिनट भी लिखोगे नहीं आएगा। अभी शुरुआत कर रही है आप, टाइम तो रहा है, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आप लिखो सिर्फ क्वेश्चन। शुरुआत वालों के लिए मेरा बस यही है कि वो लिखे, अच्छा प्रयास उनके लिए यही सबसे अच्छी बात है कि वो लिख रहे हैं, और जिस लिखते रहे अगर इसी तरह से तो उनको 8 नंबर और 12 नंबर में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अमित यादव जी, अमित जी से पूछना चाह रहा जी, बताइए। मेरा पूछना ये था कि पहले जैसे डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि 2 से 3 लाइन में होना चाहिए,
सात मिनट वाले क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं कि 4 मिनट बॉडी को दे और 1.5 मिनट परिभाषा और निष्कर्ष को दे। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन के ऐसे डिमांड होते हैं कि वो 5-6 लाइन तक चले जाते हैं, तो सर ये मतलब वैलिड होता है कि? पहली बात तो यार ये दिमाग से ये निकाल दो कि किस पार्ट में कितना मिनट देना है आपको, ये देना है कि भूमिका कितना लिखना है। भूमिका आपकी जब ये बात सच है कि परिभाषा अगर आपकी सटीक है तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है। दूसरी बात कि आप लोग अगर परिभाषा अच्छे से लिख देंगे उदाहरण के साथ तो उसका अच्छा इम्प्रेशन फिर आएगा। मेन बॉडी अगर आपका तैयार है तो अच्छे से उसमें कोई मिनट मत गिनो यार। मिनट मैं कभी नहीं गिना मिनट किसमें क्या लग रहा आ रहा तो लिख रहा। हाँ ये नहीं कि एक आ रहा है तो बहुत अच्छे से है तो उसी को हम लिखते जा रहे हैं सजा सजा के, ऐसा नहीं करना है। आप नेचुरल फ्लो में अपने जो आपका नेचुरल फ्लो है उसमें आप लिखो और लगातार प्रैक्टिस करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये टाइम मत गिनो, इससे क्या होगा आप बुकिश हो जाओगे यार। टाइम बाउंड आपका दिमाग टाइम की ओर दौड़ेगा और आप जो क्वेश्चन की समझ है दिमाग जो क्वेश्चन डिमांड है उसे भूल के आप घड़ी की टाइम में अपना दिमाग करोगे। और सर कम से कम बॉडी में कितना पॉइंट लिखे, मतलब कभी कभी लिखते तो 6, कभी कभी आता है तो 8 लिख देते हैं, तो कभी कभी में टाइम से ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, तो इसके लिए मतलब देखिए जितना दिया रहता है उसी के अंदर आपको लिखना शब्द सीमा में। कोशिश करिए कि आपका अगर स्पीड ठीक है तो आप पॉइंट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पीड सही नहीं है तो आप मत ज्यादा लिखो, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको करना है। जो डिमांड है उस क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करिए, आगे बढ़िए। अमूमन 5 से 6 पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यार उसमें भी टिप्पणी रहती है तो 5-5 पॉइंट 6 पॉइंट सकारात्मक दिखा दिए। हाँ फिर ऐसा होगा कि आपने 8 पॉइंट मान लीजिए विशेषता में दिखा दिया, फिर आप सीमा कहाँ सीमाएं कहाँ लिखोगे, फिर आप निष्कर्ष कहाँ लिखोगे, आपका नंबर तो घट जाएगा ना। संतुलित लिखिए, कई लोगों में मैंने देखा है कि 8-8, 10-10 पॉइंट बता देते हैं सर, तो इस चीज को बताइए कि थोड़ा सा उसको सीमित करें क्योंकि और पक्ष दिखाने होते हैं। और दोहराव से बचना, बहुत सारे बच्चे दोहराव करते हैं, भाई वही बात पहले इधर लिखे फिर उसी घुमा के दूसरे, उसमें दोहराव नहीं करना है। और सर कभी कभी जैसे बैलेंस्ड आंसर बोला जाता है तो आलोचनात्मक विश्लेषण करने के टाइम पे कभी कभी थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखाना पड़ता है, तो कितना ज्यादा मतलब किस पे? कभी कभी नहीं, हमेशा ऑलवेज। ठीक है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना बैलेंस बनाए, जैसे कि पॉजिटिव को ज्यादा भार दे कि नेगेटिव को ज्यादा भार दे? दोनों को बराबर देना है आपको, दोनों को बराबर देना है, प्लस उसके बाद उतने में नहीं है, उसके बाद आपको मूल्यांकन करना, तो उसका आपको दिखाना होगा कि वर्तमान में क्या इसकी अच्छाइयां हैं और साथ में लास्ट में इसका पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव मूड में छोड़ना एकदम, टीचर को लगे कि नहीं लड़का बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा करेगा ये। ठीक है, और आलोचनात्मक में अगर उदाहरण के साथ साथ अगर आगे के भविष्य के बारे में जैसे कुछ बताएं पॉजिटिव चीजें तो भी मतलब नेगेटिव अच्छा रहे, नेगेटिव भी बताइए पॉजिटिव भी बताइए बैलेंस में, और अगर आप उदाहरण दे दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है उत्तर यार। और सर कभी कभी कमेटीज, जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो कमेटीज मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, अभी जैसे कभी कभी गूगल करते हैं तो जैसे अभी पॉलिटी के ऊपर कमेटीज खोजते हैं तो 3-4 कमेटी दिखते हैं, तो उसमें कौन से ज्यादा सटीक और कौन से ज्यादा बेहतर हो तो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तो ऐसा कुछ है कि मतलब कोई भी अगर याद आ रहा है तो उसको लिख देखा ली? नहीं नहीं कोई भी नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है, मान लो चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इसमें क्या बोलते हैं आपके संसद पार्लियामेंट पे आ गया या आपके राज्यपाल की भूमिका पे आ गया, राज्यपाल का रोल बदलते कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट बनता जा रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है या राज्यपाल के, तो आपको उसमें ऐसा कुछ ना, आपको उसमें तीन चार चीजें हैं जिनको आपको लिखना चाहिए वे फॉरवर्ड। पहला है सेकंड ए आर सी में जो कहा गया पूंजी कमीशन, तीसरा आपको लिखना है अगर आप संविधान समीक्षा आयोग गठित हुआ था वेंकट चलैया आयोग, अगर आपको याद आ रहा है तो लिखो, नहीं तो ना लिखो। हाल फिलहाल के किसी को कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे हो राज्यपाल के संबंध में या जो विधानसभा अध्यक्ष है इसके संबंध में, जैसे हाल में नवाब रेबिया केस है, तमाम राजस्थान वाला केस है, तो उत्तराखंड वाले केस है, नवाब रेबिया केस है, ये सब केस अगर आप डिस्कस कर दो। अभी मणिपुर का केस हाल में आया था, मणिपुर के कुछ विधायक थे दल बदल किए थे और
इतने स्पीकर ने बहुत बहुत दिनों तक वो नहीं लिया था उसका वीडियो, तो उन डिसीजनों को अगर यूज करेंगे आप तो और अच्छा रहेगा। लेटेस्ट वाला कहीं कहीं जैसे केस स्टडी में ये सब डाल सकते ना, जुडिशरी का कुछ अगर वर्डिक्ट आया है तो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और मेरी एक शिकायत आप लोगों से, और आप लोग इथिक्स में और सोशल इशू में बिल्कुल अंतर नहीं कर पाते हो। जैसे पूछा भारतीय मूल परम आधुनिकता, आधुनिक मूल परंपरागत भारतीय मूल, याद है आप लोगों को क्वेश्चन? तो उसमें मैं देखा कि बच्चों ने पूरा SS पांडे सर का नोट छाप दिया। अरे यार उसमें इथिक्स की हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, आप उस भाषा को याद रखो ना। सोसाइटी और एथिक्स में जो कीवर्ड टर्मिनोलॉजी का अंतर होता है उसको डिफरेंशिएट करिए। ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे एथिक्स के क्वेश्चन और आप सोसाइटी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे, इसका ध्यान रखिए। हाँ जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। हेलो सर, सर एथिक्स का बता दीजिए, कहाँ से पढ़े, कहाँ से नोट्स बनाए एथिक्स के? एथिक्स का एक तो ये सर बना रहे हैं अनुज सर, बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, अगर वो मिल जाता है आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप लोग एक मैं किसी कोचिंग का प्रचार और नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हमारा भी बहुत सहयोग किए हैं, स्पेशली पांडे सर और अनुज सर मेरा भी, और हमारे साथ लगातार ये लोग मेंस दिए हैं, और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों का भी अच्छा स्कोर रहता है, कुछ कारणों से रुक जाता है वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट है, तो मैं भी इन लोगों से मदद दिया। तो लेकिन आप लोग पतंजलि IAS का नोट्स यूज कर सकते हो साथ में, नोट कर लीजिए पतंजलि IAS का क्लास नोट्स, और वो उसका प्रिंटेड भी आता है, तो दोनों को बेहतर वे में आप लोग यूज कर सकते हो। जी सर। तो और सर, वो नोट्स अच्छा, उस नोट्स की खासियत है कि उसमें सारगर्भित उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे सर प्रचार अपना उद्देश्य नहीं है, जो कंटेंट आपको कहीं से भी अच्छा होगा उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, रही बात इस कोचिंग में, तो इस कोचिंग में तो मैं तो लगातार, क्योंकि हमारे जॉब का नेचर ऐसा कि मैं तो लगातार आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे मौका प्राप्त होगा, मैं लगातार जुड़ा भी रहूंगा जितना हमसे हो पाएगा। तो सर एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था अभी जो इस टाइम पे आया था बिस्मार्क का, तो मतलब कैसा कि हम लोग ओवरऑल ऊपर का पढ़ते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था, उसका विघटन कैसे हुआ था, तो अभी जैसे पर्सनालिटीज है तो उनको कैसे रेडी किया जाए? बिकॉज ऑफ यार वो क्वेश्चन, वो बिस्मार्क आप पता नहीं कहाँ से पढ़े थे, बिस्मार्क तो पढ़ा ही जाता, बिस्मार्क का एकीकरण में योगदान जब आप पढ़ोगे उसमें तो आता ही। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें आप देखें कि बिस्मार्क के एकीकरण के योगदान को आलोचनात्मक रूप से पूछा, तो वो क्वेश्चन मैं भी किया था और बहुत अच्छे 12 नंबर में था, मुझे याद है आप शायद लिखे होंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, उन्हीं पॉइंटों में से आपको कमियां निकालना, आप अच्छे से पढ़ो। अखिल मूर्ति सर का नोट्स यूज कर सकते हो, विजय बेद सर का भी नोट्स है, वो दोनों अगर आप मिला के यूज कर लीजिए अच्छा रहेगा, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ उसे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर यही अंडरस्टैंडिंग था कि कहाँ से बुक पिक किया जाए, जैसे आप विजय वेद बता रहे हो तो भी सर्च करने पे मिल गया उनका आर्ट एंड कल्चर का, तो वैसे कौन कौन से नोट्स है, तो अगर आप ऐसा इन्फॉर्मेशन, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हो, ये जो नोट्स सर बनाएंगे या बना रहे हैं तो हम स्पेशली ऐसे करते हैं। देखिए हम बहुत ज्यादा नोट्स बना नहीं पाते क्योंकि मैं MP भी देता हूँ, देता था लगातार, UP भी देता हूँ, पहले UPSC MP दो UP तीनों रहता था, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा, मैं क्या करता था, मार्केट से तीन नोट्स लाया और मैं देखा कि कौन सा बहुत अच्छा है नोट्स, जो सबसे अच्छा नोट्स होता था जिसका जो टॉपिक, जैसे सपोज दैट मैं पतंजलि IAS का लिया तो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कीटन, तो मैं कीटर परिभाषा पतंजलि के लिए लिया। बहुत सारी चीजें जैसे अमित सर के इग्नाइटेड माइंड्स में बहुत सारी चीजें दी हुई है, अमित सर वाले क्लास नोट्स में, तो वहां से कुछ चीजें निकाल लिया, कुछ चीजें कहीं से तो एक फाड़ के बाकी एक जगह कर लिया, बाकी फेंक दिया, मेरे काम का नहीं है वो हटा दिया मैं। तो ऐसे करके आइटम क्या होता, अपना समय बचता है, और मैं बार बार एक ही नोट्स को जब पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात मेरी कमांड भी बनेगी, क्वेश्चन के बारे में हमारी जो समझ है वो बड़ी विकसित होगी। बहुत सारी चीज जरूरी थोड़ी ना सब चीज पढ़े ही रहता आदमी, अपने अपने समझ से लिखता है, जैसे बिस्मार्क वाला क्वेश्चन है
तो बहुत सारा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञान उसमें आपको होना चाहिए, लेकिन आप बिस्मार्क के बारे में मोटा मोटी जानते होंगे तो आप बिस्मार्क के बारे में उसमें बिल्कुल लिख सकते थे। आपकी बिस्मार्क ने एकीकरण में नो डाउट बहुत अच्छा योगदान दिया, उसकी रक्त लोहे जो भी उसकी आर्थिक नीति हो या उसकी सेना सैन्य नीति हो, चाहे प्रसा ऑस्ट्रिया और ये फ्रांस युद्ध की सैडोवा सैडान की युद्ध की नीति हो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसी एकीकरण के ही उसमें उसने गुप्त संधियों के माध्यम से जर्मनी के ब्रिटेन की नींव भी रख दिया था। और न केवल ब्रिटेन की बल्कि प्रथम विश्व युद्ध और पूरे यूरोप के वातावरण को संकालू और युद्ध की ओर धकेल दिया था गुप्त संधियों के माध्यम से, तो ये उसकी सीमाएं भी थी। जी सर, जी सर। आगे कोई प्रश्न? हेलो, और भी बताइए सर। सर मेरा जीएस 4 को लेकर है प्रॉब्लम है कि अगर कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और सपोज उसके बारे में हमने नेट से निकाल के पढ़ा कि हाँ कि नैतिकता मूल्य जो भी है, तो सर उसको बाद में सर लिखने बहुत प्रॉब्लम होती है कि फिर वो पढ़ा हुआ फिर भूल गए, फिर समझ में नहीं आता फिर लिखे तो लिखे क्या, और फिर साथ में जो उदाहरण होते हैं कि उदाहरण साथ समझाइए, तो वो उदाहरण को सर टैकल करना बहुत दिक्कत होती है कि उदाहरण कौन से उदाहरण हम डालें उसमें। अच्छा, ये दिक्कत है। तो आप कितनी बार पढ़ते हैं, पढ़े हैं अभी तक नोट्स? सर मैं वैसे तो मेरा जब मेंस में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं 2021 से प्रीलिम्स ले रहा हूँ, मेरा 3 बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। प्रीलिम्स हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स भी होगा मेंस भी होगा, आप पढ़ते रहो और बार बार पढ़ो। आप स्रोत, हमें लग रहा सोर्स आप बदलते हो, ये समस्या सोर्स बदलने फ्रिक्वेंटली चेंज करने पे आता है कि पता चला अभी पढ़े दृष्टि से पढ़े। दृष्टि का एथिक्स बहुत ज्यादा यार वो है, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, उसमें उदाहरण इतिहास के उदाहरण भरे पड़े, उससे नंबर नहीं मिलेगा उसमें। आप भाई कभी कई बार जैसे अभी बता रहा था कोई 65 नंबर पा जाओगे, कभी 85 भी पा जाओ, कई बार 100 भी पा सकते हो उससे, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें उसकी अच्छी है, जैसे उसमें एटीट्यूड अच्छा दिया हुआ है दृष्टि वाले में, उससे नंबर नहीं उठता है आमतौर पर। सर मैं उससे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने सर स्टडी फिलॉसफी में सभी साल नोट से पढ़ रहा हूँ सर। उसका तो बिल्कुल मत पढ़िए। अरे यार, तो मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का तो मुझे नहीं आइडिया है कि आप कहाँ से क्या पढ़ते हैं, पर मैं जो आपको बताया हूँ उसमें से आप 90 से अगर आपने अच्छे से कर लिया बार बार तो 90 से कम तो नहीं आओगे यार। अगर क्वेश्चन समझ डिमांड के अनुसार लिख दिए तो 90 से कम तो नहीं आओगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि मैं 110 से लेके 95 के बीच में रहा हूँ यूपी मैट्रिक्स में। पहले मेरा ऑप्शनल मुझे डुबा देता था, ऑप्शनल में पब्लिक एड रखा तो उसमें बहुत कम नंबर, वरना जीएस में मुझे हमेशा अच्छा नंबर मिला यूपीपीसीएस में। ये कृपा समझो यूपीपीसीएस वालों की, जीएस में अच्छे नंबर मिले। सर एग्जांपल को सर किधर से मतलब कैसे ढूंढे, मतलब एग्जांपल आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना, जो जो आपके क्लास नोट्स किताब में दिए वो तो पढ़ना, साथ में आप पेपर पढ़ते हो, पेपर रीडिंग करते हो? सर पेपर तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सर करंट अफेयर है सर वो पढ़ लेता हूँ सर। करंट अफेयर पढ़ो या ना पढ़ो उससे हमें मतलब नहीं, मेंस के लिए आपको पेपर रीडिंग करना पड़ेगी। आप पेपर रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा, आप जैसे मैं भी बता रहा था आप साथ सुने नहीं, जैसे कोई पद्म भूषण पाया है ठीक है, कोई सोशल कोई इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करता है, कोई सोशल क्षेत्र में, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के बीच में, कोई कोई जो है वीकर सेक्शन के लिए जो आदिवासी बच्चे हैं, जो भी कोई विकलांग और कोई ट्रांसजेंडर के बारे में काम करता है, कोई जिस पर तो आप उसको अगर आप कहते हो जैसे कोई मान लो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहा है, तो ये ट्रांसजेंडर वाले काम वाले व्यक्ति को आप 4 जगह यूज कर सकते हो, अपन 4 जगह 5 जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप यूज अगर आपने 1 जगह 2 जगह यूज कर लिया तो फिर बार बार वही वही चीज मत यूज करो, क्योंकि इरिटेट होगा टीचर। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे अपन कोई मान लो ट्रांसजेंडर के लिए यूज कर रहा है, जनरली ट्रांसजेंडर को लेकर सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही नकारात्मक, उनके बारे में तरह तरह की चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम किया है बहुत ही शानदार, नाच फाउंडेशन हो या चाहे जो भी हो, नाच फाउंडेशन शायद है, नाच फाउंडेशन भी आप यूज कर सकते हो उदाहरण के रूप में, तो वो अपने आप में सहिष्णुता भी दिखा रहा है, समझ रहे हैं आप, सहिष्णुता भी संवेदनशीलता भी दिखा रहा है, और आप उसके उसको एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी की सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज कर रहा, धीरे धीरे कर रही है, कर रहा उसके प्रति पॉजिटिव बन रहा, विकलांग लोगों के प्रति सोसाइटी का क्या है निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादातर अभी भी पूर्व धारणा है, गाँव में रूढ़िया है तरह तरह की, तो वो सब चीजों को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते। पेपर आप रोज पढ़ो, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता। अच्छा अच्छा, और सर साथ में जो सर जैसे कि सर मैं रोज कॉपी चेक करवा रहा हूँ,
लेकिन सर मेरे को लिखने में भी सर करीबन 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। लगने दो यार, क्या दिक्कत है कि जब शुरू में कोई काम करते हो सब में समय लगता है, कोई यहाँ अभिमन्यु नहीं है, सब यहाँ से सीखते हैं और आप करो अच्छा कर जाओगे, करते रहो क्या दिक्कत है। आधा घंटा 45 मिनट कम से कम लिख तो रहे हो यार आप, अलग इसलिए हो आप लिख रहे हो, जो नहीं लिख रहा सोचो उससे तो अलग हो ना। सर एक चीज और पूछनी है, जैसे कि जब हम लिखते हैं पॉइंट वाइज, जैसे मैंने हेडिंग डाला तो उसके बाद मैंने पॉइंट डाला, तो पॉइंट डाल के अगर हम एक दो लाइन लिख रहे हैं तो वो सही है या फिर हम उसको डायरेक्ट मतलब कीवर्ड में लिख दें, मतलब सर्कल बना के जो पूछा महत्वपूर्ण महत्व में सर्कल बना के फिर हमने कीवर्ड लिख दिया केवल वो, या डिटेल में थोड़ा सा हम उसको लिखें। देखो अगर आपके पास समय है तो आप पूरा बढ़िया से लिखो यार, अगर समय कम पड़ रहा तो बाद में सर्किल वर्किल बना के कर दो यार, कई बार सर्किल वर्किल बना कर दो, ये भी सही है। अच्छा, और सबसे अच्छा तो अच्छा तरीका है कि हेडिंग सब हेडिंग लिख लो, और अगर बन रहा है कुछ फ्लो चार्ट तो बना दो रेलिवेंट फ्लो चार्ट, पता चला नहीं बन रहा फ्लो चार्ट सीख के आए कहीं से और चिपका रहे हैं तो फिर अलग से दिखेगी ना कॉपी, यार कॉपी में एक फ्लो भी होना चाहिए। और सर इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का यूज दोनों को करें या केवल ब्लू का यूज करें? अगर आप करने में सक्षम हो, आपको लगता है कि आप 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आप बिल्कुल करें यार, उसमें क्या है। नहीं नहीं मैंने जैसे कि मैंने जब रोज मैं लिख रहा हूँ आंसर राइटिंग तो मैं हेडिंग डालता हूँ तो मैं ब्लैक का यूज कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी अभी आप करते रहो ये अच्छा है आपका, धीरे धीरे इसमें समय घट जाएगा, मैं तो अभी कहूंगा आप करते रहो इससे नंबर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा पूरा इसी का प्रभाव पड़ता है। अगर ब्लैक यूज करो थोड़ा अच्छा लगे, नहीं भी करो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर ले जा कल प्रैक्टिस कर लो, अभी करते हो करते रहो प्रैक्टिस, शायद तुम्हारा हाथ बैठ जाए। और सर ऊपर से सर राइटिंग को लेकर प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि सर कभी कभी तो राइटिंग को साफ क्लियर आती है और कभी कभी ऐसी आती है कि मतलब कोई बात नहीं यार, राइटिंग वाइटिंग का कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सब लिखते हैं ऐसे है, कहने की बात होती है। सर कट भी सर बीच में हो जाता है कि कभी कभी मात्रा में लगाओ तो वो सर स्पेलिंग एरर होती है या फिर कट लग जाता है बीच में कि तक गलत हो गई एक लाइन। बहुत ज्यादा गलत नहीं लिखना अपने को यार, अपन गलत ही गलत लिखे, ये जनरली पीसीएस वाले जो कॉपी चेक करते हैं उसमें मात्रा उत्तरा देखते हैं, यूपीएससी में तो नहीं चलता इतना ज्यादा, पीसीएस यूसीएस में देखते हैं यार, तो इतना ज्यादा गलत मत लिखो शुरुआत में, और काटा काट छाट नहीं करना चाहिए, अगर लिख दिए तो फिर ये पहले तो सोच के लिखो, नहीं लिख दिए तो फिर मत काटो उसको बार बार, गंदा दिखता है यार, भद्दा दिखेगा। तो सर 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें सर हम 1.5 पेज यूज करें और 20 नंबर वाले में 3 पेज, ऐसा क्या होता है सर कि 1.5 पेज या 3 पेज का कितना होगा? जितना समय अगर आप लिखने के सक्षम हो, 1 पेज पूरा दिया रहता है तो आप लिखो उसको, समय कम पड़ रहा तो फिर आप कम भी लिख के निकल सकते हो, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूरा करना है, ये नहीं पता चला आप 2 क्वेश्चन भर भर के लिख दिए और बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बनाना है। अच्छा अच्छा ठीक है। जर्नी सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब 20 नंबर का क्वेश्चन का दिया होता है उसमें सर कम मैटर मतलब रिकॉल हो पाता है और जो 125 वर्ड्स का होता है उसमें ज्यादा हो जाता है, तो सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, जैसे आप जरूरी नहीं कि जैसे साइंस टेक का क्वेश्चन आया है, साइंस टेक के क्वेश्चन में आप शब्द सीमा कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा कोई मतलब नहीं, उसमें जो पूछा उतना ही लिखो और कम में भी लिखोगे तो चलेगा साइंस का। हेलो, ज्योग्राफी भी ऐसे ही है। हेलो सर, ये पतंजलि आईएएस का एथिक्स नोट कहाँ से मिलेगा सर? पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए अगर हो पाए। पीडीएफ अवेलेबल तो नहीं होगा, मुखर्जी नगर में मिलता है या किसी फोटोकॉपी वाले से आप संपर्क कर ले आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में उपलब्ध होगा? हिंदी में बिल्कुल, हिंदी के लिए हिंदी में ही आता है वो। हाँ जी, आप यामिनी जी क्या आप पूछ सकती हैं? जी पूछिए जी। हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर फ्लो चार्ट और डायग्राम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे उसको बनाना है कहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस हो या फिर ज्योग्राफी में तो सर मैपिंग का ज्यादा रहता है, लेकिन सर उसमें बहुत की पॉइंट में लिखे हैं कि इसमें फ्लो चार्ट बनाए, ये थोड़ा सा जिसमें आप किसमें कंफर्टेबल हो? बहने ज्यादातर मैं देखता हूँ ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर क्या है फ्लो चार्ट बहुत बनाने में एक्सपर्ट होती है, अगर आपको फ्लो चार्ट आ रहा तो आप बनाओ, तो अगर नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत बनाओ।
आप बना सकती हो तो बना लीजिए, पता चला आप चिपका दिए, बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपका पॉइंट दोहराव नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि यार यूपी पीसीएस का क्वेश्चन यार बड़े स्टैंडर्ड आ रहे हैं, पता चला उसमें आप फ्लो चार्ट बना, फ्लो चार्ट में कौन सा मूल्यांकन कर दोगे आप? सर यही तमीज नहीं है कि मतलब फ्लो चार्ट किस में बनाना है किस में नहीं बनाना है, ये इस बात की भी तमीज नहीं आई है सर। इसमें जैसे फ्लो चार्ट ये आपने भाई बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाना मुझे भी नहीं आता, पर ये आता है कि फ्लो चार्ट बनेगा किसमें। सबसे पहली बात जैसे विशेषता पूछा, आपके पास समय कम है तो आप एक गोला बना दो या बेंजीन रिंग बना दो या जो भी आपको स्ट्रक्चर आता है उसमें आप फ्लो चार्ट बना दो। विशेषता पूछा है वहां पे, अब पता चला पूछ रहा है कि रोल का मूल्यांकन करें तो उसमें आप रोल के मूल्यांकन में भी बना सकते हो। जैसे पूछा एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी के मान लो कोई भूमिका पूछ रहा है राज्यपाल की भूमिका वर्तमान में, राज्यपाल की भूमि केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें, तो आपको वर्तमान में राज्यपाल की भूमिका को आप जो है भूमिका को चूंकि कम में लिखना है मेन बात है मूल्यांकन, तो आप एक लाइन में बताएं कि 153 के तहत राज्यपाल जो है राज्यपाल पद का प्रावधान है, संवैधानिक पद है जो भी, जैसा ही आपने बताया। उसके बाद कोई रितु जी पूछ रही है, आपका क्वेश्चन बाद में उठाया जाएगा, पहले मैं पूरा कर दूं ये वाला। तो जैसे आपने लिखा इसको, फिर आप भूमिका के लिए रोल के लिए स्पेशली आपने मान लो बेंजीन रिंग बनाई या जो भी आपने बनाया और उसके 5-6 रोल आपने जल्दी जल्दी लिख दिया जी, ठीक है लिख दिया। उसके बाद आता है मेन पॉइंट मूल्यांकन करना है जी। उसमें आप मूल्यांकन करने में फिर आप मूल्यांकन में भी आप फ्लो चार्ट मत बनाओ, फ्लो चार्ट नहीं, मैं ये कहूंगा कि जैसे उसमें लिखा हो तो फिर आप एक हेडिंग बनाओ भूमिका का मूल्यांकन, आप उसमें आप एक तरफ लिखो कि सकारात्मक और एक तरफ लिखो कि सकारात्मक नकारात्मकता या जो भी मतलब उसके विशेषताएं और सीमाएं, ठीक है, तो वो विशेषताएं आप एक तरफ सीमाएं लिखते चले जाओ, या तो फिर आप पॉइंट वाइज पॉइंट, मैं तो ज्यादातर मैं अपने आप को कंफर्टेबल पॉइंट में पाता हूँ हेडिंग सर, जी सर मैं भी कंफर्टेबल हूँ पॉइंट में ही ज्यादा पहले, इसलिए फ्लो चार्ट का थोड़ा, लेकिन सर जब कॉपी चेक करते हैं तो कहते हैं डायग्राम बनाइए फ्लो चार्ट बनाइए, तो वहाँ पे समझ नहीं आता है ना, एक हवा चल रखी है फ्लो चार्ट डायग्राम की ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। और सर एक सवाल और था कि जैसे फोर्थ पेपर में सर से कॉपी चेक कराई तो सर ने कहा उदाहरण का यहाँ पे प्रयोग कीजिए, तो सर जैसे मान लीजिए कर्तव्य निष्ठता है सत्यनिष्ठा, तो मतलब हर चीज में हर कीवर्ड में हमें उदाहरण देने हैं या हम एक दो देख के जो है वो मार्क्स ला सकते हैं? एक दो एक क्वेश्चन में एक उदाहरण दो उदाहरण आप देने की कोशिश करो, जैसे आपसे पूछा सहिष्णुता में तो आप सहिष्णुता करुणा का आप एक आध उदाहरण जैसे शुरुआत में ही दे दो, उससे क्या है कि कई बार एथिक्स की इतनी परिभाषाएं हैं यार, इतनी परिभाषाएं हैं कि एक परिभाषा नहीं है तो उसमें क्लियरिटी नहीं आती, अगर आप उदाहरण दिए तो क्रिस्टल क्लियर होगा, टीचर को भी लगा नहीं हाँ बच्चा अच्छा है, चलो परिभाषा दिया और उदाहरण, उदाहरण आपका यूनिक हो जाएगा और पता परिभाषा क्या है कि पता चला आप भी दृष्टि पढ़ी हो, पीछे वाला भी दृष्टि पढ़ा है, आगे वाला भी दृष्टि पढ़ा है, सर सेम रहेगी लेकिन उदाहरण में आप अलग अलग हो जाएगा क्योंकि उदाहरण आपने पेपर पढ़ा आप और हो सकता है जागरूक हो कहीं तो वो आप कर सकते हो, तो थोड़ा अलग हो जाओगे कि नहीं? जी सर जी नहीं यामिनी जी एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि पारंपरिक मूल्य बताइए या फिर आपसे पूछता है कि एक मूल्यों के समुच्चय के बारे में बात करता है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको मूल्य बताने हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी कुछ उनका कुछ ना कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात की गई है जैसे कि करुणा की बात की गई है या सहिष्णुता की, तो वहाँ पे एक उदाहरण चलेगा दो उदाहरण चलेगा, लेकिन अगर हमको अलग अलग कीवर्ड्स पकड़ने हैं तो सबका उदाहरण तो देना ही पड़ेगा क्लियर करने के लिए, है ना सर? हाँ जैसे जैसे नोलन समिति है उसमें सबका आपको देना पड़, जैसे बुनियादी मूल्य क्या है, आप बुनियादी 5 बुनियादी मूल्य लिखो, सिविल आपको कौन कौन से आपको जो है मूल्य अच्छे लगते हैं सिविल सेवक के नाते, तो आप उसमें सब में उदाहरण यूज करो, बहुत अच्छे नंबर। करेक्शन भी किया था कि नोलन समिति का जिक्र करें यहाँ पे, सर ने किया भी था करेक्शन। और सर एक बात और कहना चाहूंगी कि सर को जितेंद्र सर को और आप दोनों को मतलब दिल से बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी कि आपने इतना इनिशिएटिव ये चीज हम लोगों के लिए शुरू किया जो हम इलाहाबाद नहीं आ सकते गांव में रहते हैं, सर बहुत मतलब एक सहायता है सर।
तो मेरे हिसाब से ये जो लोग गांव में रहते हो आपके लिए, यामिनी जी आप गांव में रहती हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको मिल जाएगा मैटर, बहुत सारे देखो आजकल गांव में भी कोरियर पहुंच जाता है जी सर, लेकिन वही है ना कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि पहले मैटर नहीं था और अब इतना बिल्कुल बाढ़ सी आई हुई है, तो सर उसमें यही नहीं पता चल पाता कि हमारे लिए कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा हमें करना है नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर जी। ये आपको एक जैसे मैं बता रहा हूँ जो सर बताए, आप मैटर एक रखो लेकिन उसी को बार बार पढ़ोगे, मैटर कमजोर भी होगा लेकिन आप कमजोर नहीं होगे, उससे उत्तर कमजोर नहीं लिखोगे जी। सॉरी, सर से जुड़ने के बाद ये लगा कि हमारी जो खोज थी वो खत्म हुई, अब यहीं से सर से ही सिलेक्शन लेना है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी कि आपका यूपीएससी में हो और सर का फौरन सिलेक्शन हो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर। हमारे हमारे सभी सूत्रधार मेन हमारे अनुज जी हैं, ठीक है, तो उनका पहले धन्यवाद बनता है हर चीज के लिए। नहीं सर, आप और, आपका भी बहुत है और सर दोनों का ही बिल्कुल, बहुत है, दोनों हमारे मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, और हम आप लोगों का जो ये है सर, इस टाइम देख रहे हैं कि सारा इनिशिएटिव मेरा है, नहीं नहीं सर सर जी सर का बहुत, दोनों ही का और सर का भी बहुत है, और सर इस टाइम पे सबके यहाँ बहुत कोचिंग्स चल रही हैं, आप तो लोग तो खुद ही देख रहे हैं कि सर पैसे ले रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में कोचिंग के नाम पे, लेकिन ये जो आप लोगों ने सर शुरू किया है वो भगवान भी देख रहे हैं सर, जुड़े रहो और बिल्कुल कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले सर आप लोगों को। अरे धन्यवाद, ऋतु मैम आप क्या पूछ रही थी, एक बार आप पूछ लीजिए ऋतु जी। ऋतु जी आप सुन पा रही हैं हमको? अच्छा सर, ऋतु जी ने प्रीलिम से संबंधित पूछा। हाँ ऋतु जी बोलिए। सर मेरा ये सवाल था कि प्रीलिम्स में नंबर कैसे बढ़ा, जैसे मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिया था उसमें मेरे से जीएस में 90 नंबर आए, तो कट ऑफ 128 दी जा रही है, तो ये गैप कैसे? कोई बात नहीं, आप 48 नंबर पीछे हो, फर जाएगा गैप। सर एक बात बोलना चाहेंगे आप ऋतु पटेल जी हैं? जी सर। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, ठीक है, आप इनकी कॉपी मैं भी चेक किया हूँ, अच्छा लिखती हो आप, तो इनको बताइए सर प्रीलिम्स के बारे में क्लियर बताइए। प्रीलिम्स आपके पास घटना चक्र है, दृष्टि पूर्वावलोकन? जी सर, जी सर है। हाँ तो उसको आप बार बार करो और साथ में नोट्स पढ़ो, आप जो नोट्स पढ़ते चले आ रहे हो एक टेक्स्ट बुक के रूप में, क्योंकि घटना चक्र सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाने से आपको चीजें याद नहीं, पहले आपको टेक्स्ट बुक लगाना पढ़ना है फिर उसके बाद घटना चक्र लगा लेना है, तो इससे क्या होगा कि जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसको एक बार क्वेश्चन के रूप में देख लिया तो आपकी चीजें जो होंगी वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी और आपको परीक्षा में ज्यादा बेहतर कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। और ऋतु मैम एक बात और, ये जो हम लोग प्रीलिम्स की क्विज करा रहे हैं आप इसको रेगुलर करिए, क्योंकि क्विज करिए आप और 50 क्वेश्चन रोज बैठ के किया करिए, 50 क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं सर, रोज 50 क्वेश्चन करोगे तो ये डर प्रीलिम्स का निकल जाएगा, सुबह उठ के ब्रश नहीं करना है आपको, पहले क्वेश्चन करना 50 क्वेश्चन, फिर 100 क्वेश्चन, फिर 150 क्वेश्चन लगाओ, नहीं हो रहा तो पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीलिम्स के। नहीं ये काफी नजदीक है, 90 मार्क्स बता भी रही, 90 क्वेश्चन। अरे पाप, एक महीना ऐसा कर लिए ना अगर तो इनका प्रीलिम्स हो जाएगा तो बिल्कुल प्रीलिम्स हो जाएगा तो इनका सिलेक्शन हो सकता है, ये अच्छा लिखती हैं, बहुत लोग अच्छा लिखते हैं इसमें, एक मुनीश है, मुनीश भी बहुत अच्छा लिखते हैं। आप कितने बढ़िया क्वेश्चन देते हैं वैसे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके साथ जुड़े रहे, हमारे स्पेशली डायरेक्टर साहब अनुज सर, उनका नोट्स जो बनाने का जो शानदार तरीका है भाई, गजब नोट्स बनाते हैं भाई। जी जी जी, तो पांडे सर आज की परिचर्चा को यही खत्म किया जाए, क्या खत्म किया जाए, अगर बच्चों के एक दो क्वेश्चन हो तो ले लिया जाए आखिरी में, अगर नहीं आ, अगर कोई पीयूष दीक्षित जी है, पीयूष दीक्षित, पीयूष जी बताइए जल्दी में शॉर्ट में अपनी। हेलो पीयूष जी, जल्दी अनम्यूट करके बोलिए आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 8 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लाभ दिए हैं, तो कैसे पता लगे कि इसमें चुनौतियां या सीमाएं या वे फॉरवर्ड अपने मन से देना, कैसे पता चले? ये उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, आप जैसे क्या बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रश्न में केवल यही लिखा है कि
कोई प्रश्न है और उसमें क्या है लाभ, लाभ बताएं इस योजना के, लाभ बताएं योजना के लाभ बताएं, तो आपको सिर्फ लाभ बताना है, फिर उसमें और कुछ नहीं करना। ये तो सीधा क्वेश्चन व्याख्या में आपको, जैसे व्याख्या हो गया, ये हम आपको देंगे, आपको हम स्पेशली ये चीज देंगे, क्योंकि ये मेरे को, मैं इसमें बहुत काम किया ना, मेरे को किसी ने नहीं बताया ना, यहाँ आपको मुखर्जी नगर क्या किसी को इंग्लिश मीडियम की कोचिंग को मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कई कोचिंग वाला ना कोई टेस्ट सीरीज वाला, बस जांच के आपकी कमी है उसमें पॉइंट भर देंगे, ये नहीं बताते कि क्वेश्चन में बच्चा खुद मैटर पढ़ लेगा, खुद उसको आता है सब कुछ, बस आप दिशा दे दो उसे, तो ये कोई नहीं बताता यार कि इसमें क्या क्या चीजें डालना है, कितना पॉजिटिव डालना है, कितना निगेटिव, इसमें क्या लिखना है, ये कोई नहीं बताता, ये सब बताता है, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही था कल तक, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, तो ये चीज मैं फेस किया हूँ, तो आपको, आप लोगों को फेस नहीं होगा, और ये चीज ध्यान रखो कि जो पूछा वही लिखा, लाभ पूछा, लाभ बताओ ना आप, अब जरूर पेज भरना, पेज लाभ बताने के भी तरीके होते हैं, आप लाभ बता दो, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ, जितने भी प्रकार के लाभ है, आयाम खोल डालो, आयाम के आधार पर तो दो दो लाभ सब में बताओगे, इसी पेज भर जाएगा, ठीक सर। कोई भी पॉलिसी बनती है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनती है ना पॉलिसी, पांडे सर। हाँ सर, आज की परिचर्चा को यहीं खत्म किया जाए, ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से अच्छे से अच्छा सेशन आपके लिए अरेंज किया जाए, और सर आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, सर ने बताया कि उनके जॉब की प्रकृति अभी फिलहाल ऐसी है कि वो उसको अलाउ करती है कि हमारे साथ वो जुड़ सके, ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कंसर्न होंगे पेपर से संबंधित, सर उसको अटेंड करेंगे। नेहा जी हाथ रेज कर रही, हैंड रेज किया, नेहा जी बोलिए, अनम्यूट हो के जल्दी से, नेहा जी अनम्यूट करिए और बोलिए जल्दी से शॉर्ट में, नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और जल्दी से बोलिए, क्या समस्या है, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे लग रहा है ये पहले से ही रेज की हुई है हैंड, तो शायद ये अभी एक्टिव नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का जुड़ने के लिए, और एक दो लोग अभी तत्काल में जुड़े हैं तो उनको बता दें कि आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, इसकी सर ने जो भी आपको सजेशन दिए हैं उसको आप कोशिश करिए कि अप्लाई करें अपने तैयारी में। पांडे जी आज की परिचर्चा को खत्म, आप आगे आगे ले, ले, आगे फिर किसी दिन रख लेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चों, फिर आगे की कोई परिचर्चा होगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।